सुप्रभात मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधु हो, मैं कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु डॉट कॉम आज 14 अक्टूबर सन 2021 आपसे मुखातिब होता हूं। आज के इस शो में हम राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, कृषि जिंसों में होने वाली हलचल, शेयर बाजार के अंदर उतार चढ़ाव और नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। भारतीय रुपया करेंसी के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। याद रखिए, शेयर बाजार हो या कृषि जींस या फिर MCX की कमोडिटीज़, क्या आप मुनाफा कमाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड यानी विभाजित किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियाँ 1, 5, 9 मेष, सिंह और धनु राशि लाभ कमाने की स्थिति में हैं। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशियाँ मुनाफा कमा सकते हैं। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियाँ सावधानी रखिए, आज संभवतः ग्रह स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व की राशियाँ आज धैर्य से ट्रेड करें, आपके लिए दिन मुफीद है। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा या नुकसान। अब एग्रो जींस में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, सरसों के ऊपर हमारा कल एक विशेष एपिसोड मार्केट टाइम्स के ऊपर उपलब्ध है, उसको बिल्कुल देखना ना भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, सोयाबीन के ऊपर भी हमने विशेष चर्चा की है मार्केट टाइम्स के एक विशेष इंटरव्यू में, इसको भी देखना बिल्कुल ना भूलें। कॉटन यानी कपास के ऊपर भी हमारा एक विशेष एपिसोड मार्केट टाइम्स के ऊपर उपलब्ध है, आप उसको भी बिल्कुल देखना ना भूलें। दोस्तों, आज क्या संभावना बन सकती है। सरसों के ऊपर स्टॉक लिमिट लग चुकी है। खाद्य तेलों के अंदर सरकार का बड़ा कदम इंपोर्ट ड्यूटी और एग्री सेस को घटाने के रूप में बाज़ारों में आ चुका है। संभवतः त्योहारी सीजन के ऊपर आम उपभोक्ताओं को खाद्य तेलों की बड़ी तेज़ी से निजात दिलाने का ये सरकार का प्रयास हो सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल, सरसों और सोयाबीन लगातार ऊपरी स्तरों से बड़ी गिरावट दर्ज ऑलरेडी ही कर चुके हैं। स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट यानी NCDX के ऊपर इसके दाम कम देखे जा रहे हैं, लेकिन सरसों के एवं सोयाबीन के दामों में बेताशा कमी के बावजूद उपभोक्ताओं को पूरी लाभ या फायदा नहीं मिल पाया है। खाद्य तेलों में बड़ी गिरावट अभी तक दर्ज नहीं की है, कटौती नहीं की है और खाद्य जींस ऑयल सीड्स जो हैं उनकी मंदी का पूरा फायदा उपभोक्ताओं का अभी तक नहीं मिला है। अब एक बड़ा सवाल, जब किसान फायदा नहीं उठा रहे हैं, एक आम जनता या आम उपभोक्ता मंदी का फायदा नहीं उठा रहे हैं, तो कौन इस तेजी या मंदी का फायदा उठा रहा है, ये प्रश्न आपसे है। दोस्तों, आप अपना कमेंट, अपना सुझाव कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल लिखना ना भूलें। जहां तक आज इंट्राडे ट्रेडिंग का सवाल है, मुझे लगता है कि आज ग्वार सीड के अंदर तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं, धनिया यानी कोरिएंडर में भी मजबूती बन सकती है, हल्दी के अंदर भी उतार चढ़ाव के बीच में तेज़ी की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों, हमारे इन एपिसोड्स को अब बहुत ध्यान से देखें, समझें। नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर कल हमने आपको सोने या चांदी के ऊपर बात की थी। सोने चांदी के अंदर एवं कॉपर में ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज हुई। कल लगभग 3.5% की एक तरफा तेज़ी कॉपर यानी तांबे में दर्ज हुई। इसके अलावा सोना चांदी भी वर्टिकल अप यानी बेताशा तेज़ी उसने दिखाई। उम्मीद है दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। आप हमारी वेबसाइट या फिर हमारा चैनल पे भी आप जाके इसको देख सकते हैं। आज एक विशेष अपडेट कच्चे तेल के ट्रेडर्स के लिए, कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की तेज़ी के या मंदी के ऊपर अपना नज़र रखने वाले निवेशकों के लिए और मार्केट विशेषज्ञों के लिए। अगला सप्ताह क्रूड ऑयल के लिए विशेष योगदान लेके आ रहा है, क्या तेज़ी का होगा या मंदी का, जानिएगा हमारा वीकेंड्स के ऊपर विशेष शो। शेयर बाजार के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। गौरतलब है हमने आपको हमारे पिछले लगातार शो के अंदर पावर सेक्टर के ऊपर सबसे बड़ी तेज़ी सबसे पहले आपको आगाह किया था, चाहे वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन हो, NTPC हो, IEX हो या फिर टाटा पावर, इसके ऊपर तेज़ी की बात कही थी। इसके अतिरिक्त मेटल स्टॉक्स में चाहे वेदांता हो, टाटा स्टील हो और ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर
रिलायंस जैसे स्टॉक्स के ऊपर हमने लगातार आपको अपडेट दिया है, अग्रिम अपडेट दिया है जो बाजारों में सत्य साबित होते देखे जा रहे हैं। वेदांता, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंडालको, जीएसपीएल जैसे शेयर्स ने बाजारों में धूम मचा रखी है। पावर स्टॉक्स के अंदर टाटा पावर ने तो लगातार जबरदस्त तेजी दर्ज हुई है। उम्मीद है कि दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। याद रखिएगा दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व में एक बात तरीका साधन या टूल है जो आपको अग्रिम विश्लेषण देती है, चाहे वो मानसून हो, शेयर बाजार हो, प्याज हो, कपास हो, सोयाबीन हो, गवार सीड हो या फिर सरसों हो, जिसका लगातार हम आप अपडेट देते हैं। याद रखिए पेंडेमिक COVID-19 की भी हमारे एक विशेष एपिसोड के अंदर इंटरव्यू के दौरान हमने आपको एग्जैक्ट डेट सहित पेंडेमिक की वैक्सीनेशन की खबर आपको सबसे पहले दी थी क्या संभावना के रूप में, और एग्जैक्टली वैसा ही बाजारों में देखा। दोस्तों, भारत की रहस्यमयी विद्याएं अक्सर लोगों को चमत्कृत कर देती हैं। भारत विश्व गुरु माना जाता था अपनी विद्या, अपने ज्ञान और अपने विज्ञान के बल पर, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने इसको लगातार नुकसान किया और हमारी ये रहस्यमय विद्याओं को बहुत इसको धक्का लगा। नालंदा एवं तक्षशिला जैसी वाद विश्वविद्यालयों को के ग्रंथों को बरसों महीनों तक उसकी होली जलाई गई। उद्देश्य था कि इसका पूरा नष्ट वश किया जाए, लेकिन कहा जाता है सृष्टि में आप किसी भी विद्या को, किसी भी जाति को या किसी भी धर्म को या सृष्टि की संरचना को समूल नष्ट नहीं किया जा सकता, कुछ ना कुछ अवशेष बाकी रहते हैं। तो दोस्तों, पिछले लगभग 22 से 25 सालों में हम इन अवशेषों को, इन मोतियों को एक साथ इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, इसके ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं, लगातार रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च का लाभ आप सब तक पहुँचे ऐसा हमारा अनुमान है। याद रखना दोस्तों, ये भागीरथी प्रयास है, इसके अंदर हजारों लाखों लोगों को के सहयोग की ज़रूरत है। हम आपसे इस चैनल के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए यही गुजारिश करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं कि भारत की इन रहस्यमय विद्याओं को जिंदा रखने के लिए, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए इन प्रोग्राम्स को आप फॉरवर्ड अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, अपने इष्ट मित्रों को जरूर भेजें, ताकि भारत की इन रहस्यमय विद्याओं की शक्ति का अंदाज़ा दुनिया तक पहुँचे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, अनुसंधान, रिसर्च, इन्वेंशन, खोज करें, ऐसा हमारा प्रयास है। एक महत्वपूर्ण बात, ये सभी जानकारियाँ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एवं फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से आप तक पहुँचाई जा रही है। नफ़ा, नुकसान, लाभ, हानि, ये इसकी कोई जिम्मेदारी किसी तरह की नहीं होगी। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का अध्ययन, विवेक एवं अपने सलाहकार से भी अवश्य राय कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।